हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इन क्लासों की PDF एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यह क्लास आपके लिए रोज़ शाम 6 बजे एम के स्टडी चैनल पर शुरू की गई है। आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें मिल सके। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर लाइव स्टॉक सीधी भर्ती परीक्षा का है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4 जून 2022 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 117 है। आइए इसमें जानते हैं कि राजस्थान जीके के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए। बैराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है, यह किससे संबंधित है? चालुक्य, मुगल, अशोक या राठौर? ऑप्शन सी, अशोक। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुराना पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग या इनमें से कोई भी नहीं? ऑप्शन सी, मध्य पुरा पाषाण युग। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हम्मीर? ऑप्शन डी, राणा हम्मीर। दिवेर की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई? अमर सिंह प्रथम और जहांगीर, जय सिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, उदय सिंह द्वितीय और अकबर? ऑप्शन सी, राणा प्रताप और अकबर। सवाई माधोपुर के सिवाण गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? नौवा, दसवा, ग्यारहवा या बारहवा? ऑप्शन डी, बारहवा। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राव राजा वर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह
या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए राव राजा बरसिंह, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर या हनुमानगढ़? ऑप्शन डी हनुमानगढ़। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या डूडाड़? ऑप्शन सी हाड़ौती। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, होली पर, विवाह पर या मानसून? ऑप्शन बी होली पर। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? कवि कौशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सूर्यमल मिश्रण या जेम्स टॉड? ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जैस्मा ओढ़न या रासदार? ऑप्शन सी जैस्मा ओढ़न। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभनाथ, वासु पूज्य, अजीतनाथ या नैमिनाथ? ऑप्शन ए ऋषभनाथ। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली, पंकज उदास? ऑप्शन बी जगजीत सिंह। अठारह सौ अठारह में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन थे? महाराजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह, राव विष्णु सिंह या सवाई जगत सिंह? ऑप्शन डी सवाई जगत सिंह। बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे जय नारायण व्यास, नैनू राम शर्मा, नजफ अली या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी नैनू राम।
भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? 5, 7, 9 या 11? ऑप्शन बी 7। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी या सुशीला देवी? ऑप्शन ए अंजना देवी चौधरी। एक ही आंदोलन के नेता थे मोहनदास करमचंद गांधी, जय नारायण व्यास, कुंभराम आर्य या मोतीलाल तेजावत? ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत। किसने अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर या उदयपुर? ऑप्शन ए बीकानेर। भर्तृहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर या सिरोही? ऑप्शन बी अलवर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली? ऑप्शन डी दिल्ली। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान या हाड़ौती पठार? ऑप्शन सी पूर्वी मैदान। पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू या भरतपुर? ऑप्शन बी बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? रूपारेल, माही, ताप्ती या लूनी? ऑप्शन सी ताप्ती। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या सबसे उत्तरी क्षेत्र?
ऑप्शन ए सबसे दक्षिणी क्षेत्र, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? नागौर, जालौर, जोधपुर या बांसवाड़ा? ऑप्शन डी बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? उदयपुर, पाली, बारा या अजमेर? ऑप्शन ए उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य करौली जिले में स्थित है? बंदवारेठा, कैला देवी, गजनेर या सोरसन? ऑप्शन बी कैला देवी। कौन सा सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है? रणथंभौर, केहुलादेव, माचिया या जालना? ऑप्शन डी झालना। निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? रोहिड़ा, पलास, कमल या जैस्मिन? ऑप्शन ए रोहिड़ा। निम्न में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या या जैविक खेती? ऑप्शन डी जैविक खेती। ICAR द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 8, 10, 12 या 14? ऑप्शन बी 10। बांकड़ा नागल नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? ऑप्शन सी बीकानेर। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, झुंझुनू, प्रतापगढ़
या दौसांग? ऑप्शन सी प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? छबड़ा, सूरतगढ़, कोटा या काली सिंध? ऑप्शन ए छबड़ा। निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 15, NH 65, NH 71B या NH 76? ऑप्शन सी NH 71B। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़, टोंक, अलवर या नागौर? ऑप्शन डी डेगाना, नागौर। दोस्तों, आप सभी के लिए MK स्टडी चैनल पर राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में दुर्ग से पूछे गए प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से शाम 8 बजे MK स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है। यह क्लास आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इनका फ़ायदा उन्हें मिल सके।